हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ रिटर्न्स का एपिसोड 4। इससे पहले के वीडियोस और सीरीज आपको आईकार्ड्स में मिल जाएंगे या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट लाते रहे। तो आपकी एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं रोडी को जो बाथरूम में छिपा था और कह रहा था ये दरवाज़ा उन्हें ज़्यादा देर रोक नहीं पाएगा। तभी उसे टोनी का आर्मर वाला ब्रीफकेस दिखता है जहां उसे टोनी का आयरन मैन आर्मर मिल जाता है। बाहर ज़ॉम्बीज रोडी को मारने के लिए दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने ही वाले थे। इससे पहले रोडी आर्मर के रिपल्सर की बीम छोड़कर दरवाजे के साथ ज़ॉम्बीज को भी उड़ा देता है। रोडी बाहर आकर अपने आर्क बीम से उन पर हमला करता है और कहता है तुम भूखे हो तो खाओ इसे। रोडी ज़ॉम्बीज को मार ही रहा था तभी वो देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज टोनी के केबिन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रोडी के रोकने से पहले एक ज़ॉम्बी अंदर चला जाता है। तब पेपर उस ज़ॉम्बी को दूर ढकेलने की कोशिश करती है लेकिन ज़ॉम्बी पेपर को ही काट लेता है, जिस पर रोडी टोनी पर गुस्सा होता है और पेपर से कहता है उस ज़ॉम्बी को अपने से दूर करो ताकि मैं उसे मार सकूँ। लेकिन आर्क बीम की वजह से सारी पावर चली जाने के बाद रोडी रिपल्सर बीम नहीं छोड़ पाता। तब टोनी बताता है ये डेड हो चुका है, मैंने इसे पिछली बार चार्ज नहीं किया था। तब रोडी उस ज़ॉम्बी को मारते हुए कहता है तो फिर मैं कुछ ओल्ड फैशन एल्बो ग्रीस ट्राई करूँगा। इसी बीच वॉचर का वो डिवाइस नीचे गिर जाता है। रोडी आगे पेपर से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन पेपर तब तक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो टोनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तब टोनी वो चीज़ उसके मुँह पर उगल देता है जो वो पी रहा था। इससे ज़ॉम्बी पेपर चिल्लाते हुए बाहर भाग जाती है। उस पर रोडी पूछता है टोनी तुमने उसके ऊपर क्या उगला। तब टोनी बताता है ये एक इलाज था कैंसर के लिए, मिलियन नैनोमीटर साइज की मशीन्स अल्कोहल बेस में मिलाई गई थी। इसने ट्रायल में अच्छा काम नहीं किया लेकिन मुझे लगता है ये उन चीज़ों से मुझे प्रोटेक्ट जरूर करेगी। ऐसा लग रहा है जैसा मैंने सोचा था ये उससे अलग काम कर रहा है। मशीनें नेक्रोटिक टिश्यूज को अलग कर रही है और बाकी बचे हिस्से से खुद की कॉपीज बना रही है। उस पर रोडी पूछता है तो हम बच गए, तुम्हारी मशीनें उन्हें जिंदा खा जाएंगी। तब टोनी जवाब देता है ऐसा हो सकता है रोडी, अगर हम सभी मॉन्स्टर्स को ये पीने पर मजबूर कर दे, ये उनके पीने के बाद ही काम करेगा। और इसी बीच पेपर अपनी स्किन और मास्क खोकर सिर्फ एक हड्डियों के ढांचे में बदल जाती है। टोनी आगे बताता है इसने पेपर पर इसलिए काम किया क्योंकि मैंने पेपर के मुँह पर इसे उगल दिया था, इसके लिए मुझे माफ़ करना पेपर। तब जैंट मैन वो सब देख कर कहता है बस अब बहुत हो गया, श्रिंक होकर इस पार्टी को ख़त्म करना होगा। तभी टोनी कह रहा था अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो हमें इस सूट को चार्ज करना होगा। उस पर रोडी प्लग इन करके सूट चार्ज करने जाता है। तब टोनी कहता है इसमें घंटों लग सकते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। नीचे फैक्ट्री विंग में स्पीड चार्जर है जो इसे फुल स्ट्रेंथ में 60 सेकेंड्स में चार्ज कर देगा। तब हैंक एंटमैन बन के उन दोनों के पैरों के नीचे खड़ा था और कह रहा था वक्त आ गया है वो काम करने का जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। अभी स्टार्क इंटरनेशनल के बाहर पुलिस ज़ॉम्बीज को शूट कर रही थी। टोनी रोडी को बताता है तुम्हें इन सब के बीच में से जाना होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। उस पर रोडी कहता है तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें इसके बीच में से जाना होगा क्योंकि तुम्हारा आर्मर तो मेरे पास है। तब टोनी कहता है यह आर्मर आयरन मैन का है जो कि आज से तुम हो। इस बीच हैंक को डिवाइस मिल जाता है। आगे टोनी पर ज़ॉम्बीज अटैक करने लगते हैं जिस पर टोनी अपना ड्रिंक लेते हुए कहता है एक्सक्यूज मी मुझे अपना आखिरी ड्रिंक अपने दोस्त के साथ लेने दो। तब वो ज़ॉम्बी टोनी पर हमला कर देते हैं कर रोडी चिल्लाने लगता है। टोनी को सारे ज़ॉम्बीज घेर कर खाने लगते हैं जिस पे वो कहता है कम ऑन खाओ मुझे, मैं पूरी तरह से नैनोबॉट से भरा हुआ हूँ। उस पे उन ज़ॉम्बीज का भी वही हाल होता है जो पेपर का हुआ था। तभी रोडी वहाँ से जाने लगता है ये कहकर अगर मैं यही रुक गया तो टोनी की मौत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मुझे जाना होगा। इस बीच हैंक वो डिवाइस लेकर कहता है आखिरकार मिल गया जो मुझे चाहिए था, ये चीज़ वॉचर के सारे राज खोल देगी और मुझे एक्सेस दे देगी क्रिएशन की जिंदा चीज़ों का, अब बस किसी तरह पर मून पर जाना होगा और तब शुरू होगा डिनर टाइम। स्टार्क इंडस्ट्रीज के बाहर फैक्ट्री विंग में रोडी कह रहा था कॉलिंग ऑल यूनिट्स सारे एजेंसीज को बुला लो, स्टार्क इंटरनेशनल के बाहर बहुत बुरे हालात है,
हमें बैकअप की ज़रूरत है, मैं हूँ आयरन मैन और मैं ऑन द वे हूँ। यह एपिसोड है सेक्रीफाइस और हीरोइज्म का, लेकिन इसमें हीरो कौन है? टोनी, जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अपने दोस्त और दुनिया के लिए, या रोडी, जो आखिर तक अपने दोस्त के लिए लड़ा और उसी के कहने पर आयरन मैन बनने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली? इस बारे में हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। Thank you.